पेन और पेपर लेके बैठे हैं? आज का जो टॉपिक है हमारा वो है, पहले हम पढ़ेंगे सीएफजी टू पीडीए पहला टॉपिक, और दूसरा टॉपिक है पीडीए टू सीएफजी। ये अप्रॉक्सीमेटली 10 to 15 मार्क्स का आता है आपके एग्जाम में, ठीक है। और इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसको हमें समझ के हम कन्वर्ट कर सकते हैं। सो सीएफजी से पीडीए में कन्वर्ट करने के लिए हमें ज़्यादा ज़रूरत किसी चीज़ की नहीं होती है। सीएफजी से पीडीए में कन्वर्ट करने के लिए हमें कोई ज़्यादा खास ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन पीडीए से सीएफजी करने कन्वर्ट करने में हमें पहले कुछ सिंप्लीफाई करना होता है पीडीए को। पीडीए को सिंप्लीफाई करना होता है किसमें? पीडीए से सीएफजी में कन्वर्ट करने में। तो सबसे पहला जो रूल है सीएफजी से पीडीए में कन्वर्ट करने के लिए, वो ये है, नोट करिए, पहले स्टेप्स नोट कर लीजिए उसके बाद बताता हूँ मैं आपको। अगर हमें कोई ट्रांजिशन इस तरह के का है, ये देखिए ए टू अल्फा प्रोडक्शन है कोई, अल्फा जो है वो कुछ भी हो सकता है, सिग्मा यूनियन बी एन का स्टार हो सकता है। जनरली हम करते क्या हैं, हम अपने ग्रामर को किसी एक नॉर्मल फॉर्म में रखते हैं। कॉन्टेक्स्ट फ्री जो ग्रामर दिया गया होगा आपका, उसको एक नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं हम, जो आपको बताया जा चुका है, CNF और GNF। जनरली GNF ज़्यादा यूज होता है, GNF से इजी होता है, ठीक है। तो हम GNF में कन्वर्ट कर लेते हैं कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को। GNF में जब कन्वर्ट कर लोगे, और ए प्रोडक्शन अल्फा अगर कोई प्रोडक्शन है, सर रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कीजिए सर, बच्चों जी क्या कह रहे हो सर, रिक्वेस्ट आ रही सर, बस ये एक्सेप्ट करो। अच्छा, एक बच्चे की आई है गौरव की, केवल गौरव अग्रवाल की है केवल। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जब हमारा कोई प्रोडक्शन ए प्रोडक्शन अल्फा टाइप का है, तो हमारा रूल होता है इसको हम इस तरह से कन्वर्ट करेंगे, क्यू नॉट ए ए इक्वल टू क्यू नॉट अल्फा, ठीक है। और अगर ये तो हो गया फॉर ऑल Q नॉट, यहाँ पे नल आएगा, नल, और यहाँ पे कैपिटल A, ये आ जाएगा A, यहाँ पे आ जाएगा, और अल्फा यहाँ पहुँच जाएगा। ये स्टेट होगी Q नॉट, और ये स्टेट होगी Q नॉट। फॉर ऑल वेरिएबल्स, जितने भी वेरिएबल्स होंगे A, फॉर ऑल वेरिएबल्स A बिलोंग्स टू A CFG, पहला रूल ये है आपका। जितने भी वेरिएबल्स होंगे उनके प्रोडक्शन होंगे ए प्रोडक्शन अल्फा टाइप के, तो उनके लिए हम क्या करेंगे, क्यू जीरो नल, यहाँ पे कैपिटल जो ये वाला फर्स्ट वाला ये वाला टर्म आया है, मैं थोड़ा इंग्लिश चेंज कर देता हूँ यहाँ पे, इससे आपको समझ में आए। ये देखिए यहाँ पे आ गया, और ये अल्फा पहुँच गया आपका यहाँ पे,
ये स्टेट हमारी इनिशियल स्टेट है जिसे हम Q0 ही रखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे नल आएगा हमेशा फॉर ऑल वेरिएबल्स। रूल टू जो है वो आपका काम आता है, रूल टू काम आता है हर फॉर ऑल नॉन वो सॉरी फॉर ऑल टर्मिनल्स, फॉर ऑल टर्मिनल्स, फॉर ऑल टर्मिनल्स के लिए क्या करते हैं हम रूल बनाते हैं डेल्टा क्यू नॉट ऑल। मान लो ए टर्मिनल है कोई, तो क्यू नॉट ए कॉमा ए इक्वल टू क्यू नॉट नल। जितने भी आपके इन टर्मिनल सिंबल होंगे सिग्मा में उनके लिए ये होता है, और जितने भी सिंबल होंगे बी एन में उनके लिए ये रूल होता है। दो ही रूल होते हैं जिसके थ्रू हम कन्वर्ट करते हैं किसी भी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को PDF। अब हम कैसे करेंगे इसको, एक चीज और समझ लीजिए। कोई ग्रामर दिया हुआ है, यहीं पे थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा इसको। अगर कोई ग्रामर दिया हुआ है आपको G=V σPS, ठीक है, और इसको PDA में कैसे कन्वर्ट करेंगे, क्यू सिग्मा गामा डेल्टा क्यू जीरो जेड जीरो और F, इसमें कन्वर्ट करेंगे। किसी की रिक्वेस्ट आई हुई, एक मिनट वेट करिए। इसमें कन्वर्ट करेंगे, Q जो होगा Q नॉट होगा, जो स्टैक के सिंबल होंगे V सिग्मा होगा, Z नॉट में स्टार्ट सिंबल होगा, F जो है वो फाई होगा, और डेल्टा हमारा इन दो रूल के थ्रू चलेगा। एक बार दोबारा से इसको नोट कर लीजिए सब लोग, इससे कि मैं बार बार मुझे नहीं बताना पड़ेगा आपको। इसको नोट कर लीजिए जो मैंने बताया है आपको अभी। जो ग्रामर दिया गया होगा आपको, ये जो ग्रामर दिया हुआ है G=V σPS, इसको हम ऑटोमेटा में इसे रखेंगे। क्यू को क्यू नॉट रखेंगे, स्टैक सिंबल है ये, सेवन टपल होता है ये PDA। स्टैक सिंबल में वेरिएबल्स और सिग्मा दोनों आएंगे, जेड जीरो में स्टैक में स्टार्ट सिंबल रखेंगे, और F=5 होगा। रूल हमारे ये हैं, अगर कोई फॉर ऑल वेरिएबल्स ए जो कि वेरिएबल सिग्मा में हैं, इनके लिए हम क्या करेंगे, Q0 नल जो ए होगा फॉर्मूले का वो यहाँ आ जाएगा और अल्फा यहाँ आ जाएगा। अब इसको जरा हम किसी एग्जाम्पल के थ्रू सही करते हैं। सबको समझ में आ रहा है, रूल दो ही रूल हैं केवल, किसी को दिक्कत हो तो पूछ लो बेटा, इसको दो ही रूल हैं इसमें। चलिए अब न्यूमेरिकल करिए, एक लिखिए न्यूमेरिकल। हमें ग्रामर दिया हुआ है, क्वेश्चन है, ग्रामर दिया हुआ है, प्रोडक्शंस दिए ग्रामर के, एस प्रोडक्शन ए एस ए ग्रामर है आपका, B σPS प्रोडक्शन ये दिया हुआ है, वेरिएबल में केवल एस है, सिग्मा में ए है, ठीक है। वेरिएबल में केवल क्या है हमारे पास, एस है, सिग्मा में ए है, प्रोडक्शन ये दिया हुआ है, एक दो प्रोडक्शन दिए हुए हैं ये वाले, एस प्रोडक्शन ए एस और एस प्रोडक्शन ए, ठीक है। तो PDA डिजाइन करेंगे इसकी, तो PDA जब डिजाइन करोगे इसकी, जब PDA डिजाइन करोगे इसकी ए, तो उसमें क्या आ जाएगा, हेलो, Q0 ए एस कोमा ए डेल्टा Q0 S5, ये टाव हो गया,
ये इनिशियल स्टेट हो गई, ये स्टार्ट सिंबल हो गया, फाइनल स्टेट फाई है, ये सिग्मा हो गया आपका, ठीक है। अब देखिए कैसे कन्वर्ट, फिर आगे कोई रिक्वेस्ट है। अब इसको कन्वर्ट करना है तो पहला रूल क्या था हमारा पास, पहला रूल था नॉन टर्मिनल के लिए, पहला रूल है स्टेप वन नॉन टर्मिनल के लिए क्या था, नॉन टर्मिनल के लिए हमारा रूल था कि अगर कोई प्रोडक्शन ए प्रोडक्शन अल्फा है तो इसके लिए हम कैसे रूल बनाते थे, ए प्रोडक्शन अल्फा है हमारा कोई तो क्यू नॉट नल ए, क्यू नॉट और जो अल्फा है इसको आप नोट कर लीजिए, ये मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूँ जिससे आपको याद हो जाए, ये यहाँ पे ए आ गया, अल्फा यहाँ पे आ गया, यहाँ पे नल रहेगा हमेशा, ये इनिशियल स्टेट रहेगी जो हमारे पास है क्यू में। तो अब हमारे पास जो प्रोडक्शन है वो कौन सा प्रोडक्शन दिया हुआ है हमें, प्रोडक्शन हमें दिया हुआ है एस प्रोडक्शन ए एस, तो एस प्रोडक्शन ए एस के लिए क्या हो जाएगा, क्यू नॉट नल एस, ये एक ही जगह एस आ गया, ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्रोडक्शन क्यू नॉट आगे बताइए क्या हो जाएगा सिंबल, क्यू नॉट ए एस, दोबारा से समझ लीजिए इसको, ये दोनों तो फिक्स हैं, ये यहां पर आ जाता है और ये पूरा पार्ट आपका यहां चला जाता है, दूसरा प्रोडक्शन कौन सा था हमारा, ये पहला प्रोडक्शन था, दूसरा प्रोडक्शन कौन सा था एस प्रोडक्शन ए, इसके लिए सेम वही रूल हो जाएगा Q0 नल, ये एस यहाँ आ जाएगा Q0 और ए यहाँ पहुँच जाएगा, ये दो ट्रांजिशन, ये दो फंक्शन हो, दो ट्रांजिशन फंक्शन हो गए, ठीक है। अब ये हो गया नॉन टर्मिनल के लिए स्टेप वन, स्टेप टू किसके लिए बताया था हमने आपको, स्टेप टू किसके लिए बताया था, फॉर टर्मिनल्स, टर्मिनल्स कितने हमारे पास सिग्मा में, हमारे पास केवल एक ए है, तो इसके लिए हमने क्या रूल बताया था आपको, क्यू नॉट ए ए ट्रांजिशन टू क्यू नॉट नल, तो कितने रूल हो गए, तीन रूल हो गए आपके, किसी बच्चे को अगर कोई इसमें दिक्कत आ रही हो तो बताओ बेटा, ये बहुत इजीएस्ट क्वेश्चन है, सी एफ जी टू पी डी ए बनाना बहुत इजी है लेकिन पी डी ए टू सी एफ जी बनाना टफ होता है, एक बार मैं थोड़ा मिनिमाइज कर देता हूँ इसको तो आपको दिखेगा साफ साफ, दोबारा से समझ लीजिए, किसी बच्चे को कोई परेशानी है इसमें या आगे चलूं, समझ में आ गया सबके, यस सर। चलिए तो एक एग्जांपल करिए इसके लिए, एक क्वेश्चन लिखिए जरा, आप क्वेश्चन लिखिए, ये जो स्क्रीन पे आ रहा है आपकी पे क्वेश्चन, एस प्रोडक्शन बच्चे देर में नींद में जगते हैं,
बहुत कम बच्चे जल्दी आ पाते हैं। अब ये पढ़ा दिया, अब इनको दोबारा समझाना पड़ेगा। जो जिन्होंने समझ लिया बेटा वो ये क्वेश्चन, ये ग्रामर नोट करें। एस प्रोडक्शन स्मॉल ए कैपिटल ए, दूसरा प्रोडक्शन बी स्मॉल बी कैपिटल बी, बी प्रोडक्शन ए बी नल, ए प्रोडक्शन बी ए नल। करिए इसको सॉल्व। सभी लोग क्वेश्चन नोट कर लें, मैं यहीं पे समझा रहा हूं दोबारा से। हमारे पास दो ही रूल है इसमें। अगर फॉर, पहला रूल है फॉर नॉन टर्मिनल्स, अगर कोई नॉन टर्मिनल ए है जो वी एन में बिलोंग करता है और एक ये ट्रांजिशन कर रहा है ए प्रोडक्शन एल्फा, तो इसके लिए ट्रांजिशन आएगा हमारा क्यू जीरो नल ए प्रोडक्शन क्यू जीरो और एल्फा। जो लोग अभी ज्वाइन किए हैं ये रूल समझ लें। पहला रूल ये है आपका, ए यहां आ जाएगा, एल्फा यहां आ जाएगा, हर वेरिएबल के लिए है ये। दूसरा रूल जो है वो है नॉन टर्मिनल के लिए, वो टर्मिनल के लिए। दूसरा रूल किसके लिए है? टर्मिनल्स के लिए। दूसरा रूल क्या है आपका? फॉर टर्मिनल। क्या है उसके लिए? अगर ए कोई बिलोंग करता है इसमें तो क्या होगा? क्यू नॉट ए कॉमा ए ट्रांजिशन टू क्यू नॉट नल। ये दो ही रूल हैं, इनको आपको इंप्लीमेंट करना है। इसमें ये ए और ए यहां आएगा और यहां पे नल आएगा। किसी ने सॉल्व किया ये क्वेश्चन? नो सर। सॉल्व करिए। ऑल वेरिएबल्स, फॉर ऑल वेरिएबल्स के लिए करिए पहले, फिर ऑल टर्मिनल्स के लिए करिए। क्वेश्चन नोट कर लिया सबने? क्वेश्चन नोट कर लिया? यस। किसी बच्चे ने क्वेश्चन नोट नहीं किया हो? मैं स्क्रीन हटा रहा हूं अभी। क्वेश्चन नोट कर रहा हूं यहां पे मैं। एस प्रोडक्शन ए ए बी बी, बी प्रोडक्शन ए बी नल और ए प्रोडक्शन बी ए नल। अरे बच्चे कौन है चिल्ला रहे हैं? बच्चे हमारे ही होंगे जब चिल्ला रहे हैं तो। आप कहीं हैं? नहीं, घर से, घर से बात थोड़ी हूँ मैं, घर पे ही हूँ। अच्छा, इसको जरा सॉल्व करिए जल्दी से, फिर आगे चलें। इसको सॉल्व करता हूँ मैं धीमे धीमे, आप लोग अपना करिए सॉल्व। में जो लोग अभी ज्वाइन किए हैं, हम पहले सॉल्व करते हैं फॉर नॉन टर्मिनल्स, फॉर नॉन टर्मिनल्स। कितने नॉन टर्मिनल्स हैं? एस ए और बी। तो एस के लिए देखिए, एस का प्रोडक्शन पहले फॉर एस के लिए देखते हैं। एस के प्रोडक्शन है आपके ए ए और दूसरा है बी बी, तो इसका प्रोडक्शन क्या हो जाएगा? क्यू जीरो नल एस, तो यहां पे आएगा पहला प्रोडक्शन हो जाएगा इसका क्यू जीरो ए प्रोडक्शन क्यू जीरो बी बी। ये दो प्रोडक्शन हो जाएंगे इसमें। मैं दोबारा से लगा देता हूँ साइन, आप कैसे करते हैं। ये एस यहीं पर आएगा,
ये क्यू नॉट यहीं रहेगा और ये नल ऐसे रहेगा। अब फॉर वी बी के लिए कौन कौन से प्रोडक्शन है हमारे, फॉर बी बी के लिए प्रोडक्शन है हमारे बी प्रोडक्शन ए बी और नल। तो कैसे करेंगे इसको, देखिए क्यू नॉट नल बी तो ये आ जाएगा, इसके प्रोडक्शन दो हो जाएंगे, क्यू नॉट स्मॉल ए कैपिटल वी और दूसरा हो जाएगा क्यू नॉट नल। इसको फिर दोबारा से उसी तरह से मैच करें तो ये बी यहाँ आ गया, ये ए बी जो है यहाँ पे आ जाएगा और नल जो है यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ तक समझ में आ रहा है सबको? अब हम सॉल्व करेंगे इसे ए के लिए, इसे ए के लिए सॉल्व करेंगे। फॉर ए, ए का प्रोडक्शन दिया हुआ है बी ए प्रोडक्शन नल और इसमें हम करेंगे क्या, क्यू नॉट नल ए और इसके दो प्रोडक्शन हो जाएंगे इसी के हिसाब से क्यू नॉट बी ए और दूसरा हो जाएगा आपका क्यू नॉट नल। और इसमें भी अगर आप चेक करना चाहें तो हमने क्या किया है, ए को यहाँ रख दिया है और बी ए यहाँ आ गया, नल यहाँ आ गया। ये हो गया फॉर ऑल ऑल नॉन टर्मिनल्स के लिए। अब हम करेंगे फॉर ऑल टर्मिनल्स। टर्मिनल्स कौन कौन से हैं हमारे पास, एक तो आपके पास ए है सिग्मा में, एक आपके पास बी है और तो कोई है नहीं, ए और बी है, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, इसके लिए हर टर्मिनल के लिए क्यू जीरो ए ए इक्वल टू क्यू जीरो नल, क्यू जीरो बी कॉमा बी इक्वल टू क्यू जीरो नल। बड़ी देर में याद आ रही है क्लास करने की, क्यों गौरांश नींद नहीं खुली थी क्या गौरांश, नींद नहीं खुल रही थी क्या? अभी सो के उठाऊं, अभी सो के उठे हो तो पहली क्लास तो गई तुम्हारी, हां तो रह गई अभी सो के उठाऊं। चलो अभी ये क्वेश्चन सॉल्व कर लो, ठीक है यही कराया है मैंने अभी। किसी बच्चे को कोई परेशानी तो नहीं है इसमें? एक बार और समझा दीजिए, एक बार और समझा दूं इसी को, इसी में समझा दूं, कुछ नहीं है ये तो लिखा हुआ है, ये तो लिखा हुआ है ना, रूल तो लिखे होंगे आपके पास, रूल लिखवा रहा हूं मैं यहाँ पे। ये क्वेश्चन है सेम, यही क्वेश्चन है, इसमें जितने भी वेरिएबल्स आएंगे ए प्रोडक्शन जो अल्फा टाइप के होंगे उनको हम चेंज करेंगे क्यू जीरो नल ए प्रोडक्शन क्यू जीरो अल्फा। क्यू जीरो एल्फा, इसमें मैं बार बार बता रहा हूँ आपको, इसमें कुछ नहीं करना है, ये ए यहाँ आ जाएगा और ये अल्फा यहाँ पहुँच जाएगा, इसी की तरह से हमने इन सब में रूल फॉलो किया है। और दूसरा रूल है टर्मिनल्स के लिए, ये नॉन टर्मिनल के लिए हो गया, वेरिएबल्स के लिए। और फॉर टर्मिनल्स क्या होगा, जैसे ए है जो कि सिग्मा में बिलोंग करता है तो इसके लिए होता है क्यू जीरो ए कॉमा ए इक्वल टू क्यू जीरो नल, बस दो ही रूल है और कुछ करना ही नहीं है इसमें। तो आपके कितने प्रोडक्शन हो गए, देखिए
आपके कितने रूल बन जाएंगे इस कितने कितने ऑटोमेटा के प्रोडक्शन बन रूल्स बन जाएंगे, वन रूल आईडी, वन मूव, सेकंड मूव, थर्ड मूव, फोर्थ और पांच, पांच रूल बन जाएंगे पीडीए के। सबसे इजीएस्ट कन्वर्जन है सीएफजी टू पीडीए। जब पीडीए से सीएफजी में कन्वर्ट करते हैं वो थोड़ा टफ है, उसमें थोड़ा समझना पड़ेगा, पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा ग्रामर को। यहां तक समझ में आ गया सबके? कोई ऐसा बच्चा जिसको समझ में ना आया हो तो अभी बता दो मुझे, ये वाला जो स्लाइड आपके सामने है इसमें सब कुछ लिखा हुआ है, वेरिएबल्स और टर्मिनल्स दो ही रूल हैं केवल। ये ग्रामर दिया हुआ है, देखिए आपका ये ग्रामर दिया हुआ है, इसके लिए एक रूल ये है और एक रूल ये है। आगे चले आप जी सर।